बीएमसी ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए मुंबई में बीच और तालाब पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी। ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा छठ पूजा करने वाली महिलाओं की चिंता पूजा कहां करे की समस्या को देखते हुए पूरे मुंबई की जनता के हक की लड़ाई लड़ने वाले युवा नेता तेजिंदर सिंह तिवाना कोई भी पर्व हमेशा ही जनता के हर परिवार को सरल बनाने में आगे रहे हैं। इस बार भी इस पर्व यानी कि छठ पर्व पर भी मुंबई के कई जगहों पर युवा मोर्चा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृत्रिम तालाब बनवाकर छठ पूजा करने वाली महिलाओं की चिंता को दूर किया, जिसे अहम भूमिका निभाई विवेक पांडे ने। देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए साथ ही महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए तेजिंदर सिंह तिवाना ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र की महाअधर्मी सरकार को हिंदुत्व की याद केवल वोट लेते वक्त ही आती है, लेकिन जब हमारी आस्थाओं और त्योहारों के लिए व्यवस्था करनी हो तो सरकार आइसोलेशन में चली जाती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा मुंबई करो के लिए छठ पूजा की व्यवस्था की गई है। मेरी तरफ से सभी लोगों को सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमने लोगों से छठ पूजन के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी नियमों का पालन करने की अपील की है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।